कानपुर में 3 जून को हुए हिंसा का सबसे बड़ा सच सामने आया। न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन कानपुर में हाजी अल सलीस का पर्दाफाश, कहा हिंसा के लिए मुस्लिम पक्ष जिम्मेदार। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी जफर हयात के करीबियों पर शिकंजा कस गया। हिंसा में शामिल आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में बैठक की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने हालात की जानकारी ली और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा जारी। उपद्रवियों ने आज फिर पत्थरबाजी की। पुलिस ने पत्थरबाजों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद 13 जून तक इंटरनेट सेवा बंद। हावड़ा में कई इलाकों में धारा 144 लागू। दिल्ली के जामा मस्जिद प्रोटेस्ट मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सेक्शन 188 के तहत मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों की पहचान करने में जुटी। झारखंड के रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में 2 लोगों की जान गई। कई घायलों को रिम्स में भर्ती किया गया। रांची में धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद। हिंसा के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में। मुख्यमंत्री योगी आज शाम बड़ी बैठक करेंगे जिसमें सभी 75 जिलों के जिलाधिकारी, एसपी, कमिश्नर और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल और पत्थरबाजी केस में अब तक 230 आरोपी गिरफ्तार। वीडियो से पहचान करके पुलिस आरोपियों को लगातार अरेस्ट कर रही है। प्रयागराज में हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट। नगरपालिका कर्मचारियों ने हिंसा आरोपियों को के घरों की छानबीन की। प्रयागराज पत्थरबाजी और हिंसा मामले में 3 केस दर्ज, जबकि 68 लोगों की गिरफ्तारी। 5000 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज। जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ प्रयागराज में, सुरक्षा कड़ी कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। मुरादाबाद में हिंसा की जांच हर एंगल से जारी। पुलिस ने आशंका जताई इसके पीछे PFI का हाथ हो सकता है। प्रयागराज में हुए बवाल पर पुलिस का बयान, हिंसा के पीछे MIM और समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता शामिल। छोटे बच्चों को गोरिल्ला वॉर की तरह इस्तेमाल किया गया। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड फरार हो गया, सूत्रों के हवाले से खबर। गोल्डी बरार कनाडा से कहीं और भाग गया। गैंगस्टर गोल्डी बरार के निशाने पर सलमान खान के अलावा दूसरे बड़े नाम भी थे। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड कलाकारों की रेकी की गई थी। मूसेवाला मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 शूटर्स की पहचान होने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बीजेपी नेता की जमकर लाभ घूसों से पिटाई की गई। बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो बनाकर किसी दूसरे ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मध्य प्रदेश के उमरिया में चोरी के शक में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के किशनगंज में दर्दनाक सड़क हादसा, एक समारोह से लौट रही कार तालाब में पलटी। हादसे में 9 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक में तेज आंधी से ऑटो पर पेड़ गिर गया जिसमें 2 लोगों की जान गई जबकि 2 यात्री जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के बैतूल में संपत्ति के लिए बेटी पर पति के साथ मिलकर मां की हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के भिंड में अवैध शराब को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की। 300 लीटर कच्ची शराब जब्त। जम्मू के अखनूर गांव में भीषण आग लगने के बाद स्थानीय लोगों में खौफ पसरा। डर है कि कहीं ये आग उनके घरों तक ना पहुंचे। लेह के योकमा इलाके में जंगलों में भीषण आग लगी। कहर बरफ रहा है। आरोप है कि स्थानीय लोगों की लापरवाही की वजह से ये आग लगी। उत्तराखंड में टिहरी जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों में जंगलों में आग बढ़ती जा रही है। आग लगने से चारों तरफ धुआं, लोगों को काफी परेशानी। निर्जला एकादशी के मौके पर उदयपुर के आसमान में दिखा अनोखा नजारा। अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अब्दुल कादिर ने फतेह सागर झील के किनारे एक डोर पर 1000 पतंगे उड़ाई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अनोखा नजारा दिखा। भालू से अपनी जान बचाकर भागता दिखा बाघ। सैलानियों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एंटी करप्शन की टीम ने एक दारोगा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। मध्य प्रदेश के खरगोन में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के टोंक में चलती बुलेरो अचानक आग का गोला बन गई। यह हादसा जयपुर कोटा हाईवे पर हुआ। बारामूला श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ID मिलने से हड़कंप, जिसे मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया।
जम्मू कश्मीर के में लश्कर के 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी। बारामूला से लश्कर के 2 आतंकी और बड़गाम से 1 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार। पंजाब के मोहाली में दिन दहाड़े करोड़ों की लूटपाट। वारदात के बाद इलाके में दहशत। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8,329 नए मामले सामने आए, जबकि 10 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। केरल में यूडीएफ कार्यकर्ता लगातार राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। देहरादून में आईएमए के पासिंग आउट परेड का नजारा देखने को मिला, जिससे देश को 150 रेगुलर और 133 टेक्निकल कोर्स के कैडेट पास आउट हुए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 10 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। कई घंटे से बच्चे को निकालने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर। सांबा सेक्टर में 10 किलोमीटर क्षेत्र के संवेदनशील इलाके की तलाशी ली गई। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से बारिश जारी। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पुणे में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उतर आया। कई इलाकों में जल जमाव। एनटी अवार्ड्स यानी न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया का डंका बजा। किशोर राजवानी को बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर हिंदी का अवार्ड मिला। एनटी अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया के शो 100 बात की एक बात को 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट डेली न्यूज बुलेटिन और बेस्ट प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का अवार्ड मिला। एनटी अवार्ड्स में न्यूज 18 को कुल 22 अवार्ड मिले। अरुण सिंह और प्रियंका कांडपाल को बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का अवार्ड मिला। बीते 7 महीने में शिरडी साई मंदिर में 188 करोड़ रुपए का दान किया गया। 5 महीने में 41 लाख श्रद्धालुओं ने साई समाधि के दर्शन किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के दौरे पर। द्वीप एयरपोर्ट पर शाह का जोरदार स्वागत। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन मनाया गया। पटना में आरजेडी दफ्तर में लोग गुलदस्ता और फूलों की टोकरी लेकर पहुंचे। सेंट्रल चीन में ट्रेनिंग के दौरान एक लड़ाकू विमान घरों से टकराया। हादसे में 1 की जान गई। दुनिया के मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर का चेहरा पैरालाइज हो गया, जिसके चलते बीबर ने अपने एल्बम के प्रमोशन को स्थगित कर दिया। रूस की सेना सेवरोदोनेस्क शहर पर कब्जा करने की हर मुमकिन कोशिश में लगातार पहले ही दिन से जुटी हुई है। और आलम यह है कि अब डोनबास की जंग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चेचन लड़ाकों तक को उतार चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेन के रखवाले रूसी सेना को कड़ी जोरदार टक्कर देते नजर आ रहे हैं। सेवरोदोनेस्क में भीषण जंग।